देवरिया से कॉन्ट्रैक्ट खेती संचालित कर रही फॉर्च्यून कंपनी ने 9 से 10 दिसंबर को किसानों की धान नहीं तोलने पर विवाद बढ़ा। मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने एसडीएम से इसकी शिकायत दर्ज कराई तो हड़कंप मचा। एसडीएम ने कंपनी एमडी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए तलब किया। गौरतलब है कि सैकड़ों किसानों की धान 2950 प्लस 50 रुपए रेट पर खरीदी जानी थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी उस दिन धान नहीं खरीद सके और मोबाइल भी बंद रखा, जिसके चलते बात बढ़ गई। नोटिस मिलते ही शुक्रवार को हरियाणा से कंपनी एमडी अजय भालूटिया पेपरिया पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा, कर्मचारियों से संपर्क और सही बात पता नहीं होने से कुछ दिक्कत हुई। किसानों की धान अनुबंध के तहत खरीदी जाएगी। लिखित में ये बात होने के बाद मामले पर किसानों की ओर से सहमति जताई गई। एसडीएम नितिन टाले, तहसीलदार राजेश बोराशी ने एमडी से कहा, कर्मचारियों को निर्देशित करें, भविष्य में किसानों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पूरे मामले में कंपनी एमडी अजय भालूटिया का कहना कि कम्युनिकेशन कमी के कारण ये सब हुआ होगा, आगे से इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या था, किसानों की धान खरीदी नहीं कर रही फॉर्च्यून कंपनी, तो आज जो फॉर्च्यून के अधिकारी और एमडी साहब आए हैं, तो इनके बातों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे डीलर का फोन बंद था। हम भी वही बात कर रहे थे कि 9-12 में आपके जो खरीदार हैं उसका फोन बंद था। हम तब भी ये बात कही कि भाई 2950 प्लस 50 में आप धान खरीदिए। आज ये बता रहे हैं कि हमारी धान खरीदी चालू है, हम 2950 प्लस 50 में धान खरीद रहे हैं। जो भी किसान एग्रीमेंट करे वो अपनी धान दे दे, ये हमारी एक बात मांग, एक सूत्री मांग थी, ये आपने स्वीकार किया। दूसरा, हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि बाई चांस भविष्य में भाव बढ़े तो इस तरीके के आपके खरीदार या डीलर इस तरीके के फोन बंद ना करें, ताकि किसान को फिर दोबारा प्रशासन के पास शिकायत करने जाना पड़े। क्योंकि एकदम जब भाव बढ़े तो किसान अपना माप उसी दिन, जिस दिन भाव बढ़े उसी दिन अगर आपके कंपनी के डीलर फोन बंद रह गए तो निश्चित ही शक पैदा होता। मैं उधार में सामान खरीदता हूँ, उसको आप पूछ सकते हैं कि वो किसी भी समय मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। असर जो अनुबंध खेती आपने की किसानों से, उनको आपने जो कागज दिया अनुबंध का, वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उसको एक लीगल नहीं मान रहे हैं, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसे जो कागज हमने जो किसानों को दिया वो हमारी तरफ से हमारे एजेंट ने दिया गया है, और एजेंट किसान के बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है, तो उसको ऐसा लगता था कि जी इससे कोई किसी तरह का विवाद नहीं आएगा। यही कागज हम 2017 से किसानों को देते आ रहे हैं। मेरा नाम अजय मालोटिया है, मैं डायरेक्टर हूँ फॉर्च्यून राइस लिमिटेड में, जो दिल्ली में स्थित एक कंपनी है। सर, जो कल विवाद वाली स्थिति आई, किसानों का कहना था कि फॉर्च्यून कंपनी हमारी धान नहीं खरीद रही, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो है किसानों में और हमारे एजेंट में और हमारे कर्मचारी के बीच में रह गया। जो हम ये समझ रहे थे कि भी हमने जो है उस दिन का भाव 2900 प्लस 50 दिया, जबकि हमारा भाव 2950 प्लस 50 होना चाहिए था। मैं 50 रुपये का भाव हमने ये समझ के कम दिया किसानों को कि भाई इस बार एकदम 200 रुपये की तेजी एक दिन में मंडी में आ गई है, तो आप थोड़ा हमारा सहयोग करें। तो जितने भी हमारे एजेंट थे उन्होंने हमारे को मुझे कन्फर्म किया कि सर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जैसे कह रहे हैं हम किसानों को समझा के वैसे काम कर लेंगे। लेकिन वो एजेंट जो लोग हैं वो किसानों को समझा नहीं पाए और ये बिना मतलब का विवाद जो है छिड़ गया। और आज हमने मैंने खुद आके सुबह मतलब कल ये सब मामला दवाई के लिए, जैसे धान के रेट के लिए उन्होंने मुझे कहा और मैं उसके लिए जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन जो कम दवाई की जो बात है उसकी जिम्मेवारी दवाई कंपनी लेगी, क्योंकि मैं दवाई बनाता नहीं। एक सर्च के मुताबिक हमारी ये कोशिश है कि उसको दवाई, अच्छी दवाई कम लागत और ज़्यादा पैदा हो, ताकि किसान की जो है लागत कम आए, ताकि उसको अगर किसी, क्योंकि फसल का रेट ना तो मेरे हाथ में ना किसान में, लेकिन लागत कम करना किसान के हाथ में। अगर किसान अपनी लागत कम करेगा तो कुछ ना कुछ बचत करके जाएगा। एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपका कहना है कि आपके डीलर के और किसान के बीच बहुत नज़दीकी संबंध है, फिर आपने किसान से चेक क्यों लिए, ब्लैंक चेक क्यों लिए? मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं, और किसान को ब्लैंक चेक देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपके अनुसार आपने ब्लैंक चेक नहीं लिए? नहीं, फॉर्च्यून राइस लिमिटेड के नाम से किसी से किसान से कोई किसान से कोई आपके किसी डीलर ने लिए हो? फिर अभी आपने मुझे दो मामले बताए, एक आपने बताया कि एक किसान का मेरे डीलर ने धान नहीं खरीदा, उसका कोई मामला है जो हमने नोट कर लिया। अगर आप चेक वाले बताएंगे तो हम डीलर से पूछेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। कंपनी उस पर हाथ ही नहीं रखती, वो कंपनी अलग हो जाती है। कई मेरे पास ऐसे किसान हैं जिनको इस कंपनी दवाइयों से नुकसान हुआ है। आप यानी उसमें बीच में किसान एक मध्यस्थ रह गया, एक आपका दवाई विक्रेता हो गए, एक आप हो गए, एक दवाई कंपनियां हो गई। आखिर किसान किससे कहे, किससे अपनी समस्या बताए? दवाई के लिए, जैसे धान के रेट के लिए उन्होंने मुझे कहा और मैं उसके लिए जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन जो दवाई की जो बात है उसकी जिम्मेवारी दवाई कंपनी लेगी, क्योंकि मैं दवाई बनाता नहीं। एक सर्च के मुताबिक
हमारी ये कोशिश है कि उसको दवाई, अच्छी दवाई कम लागत और ज्यादा पैदा, ताकि किसान की जो है लागत कम आए, ताकि उसको अगर किसी, क्योंकि फसल का रेट ना तो मेरे हाथ में ना किसान में। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।